संदूषण करें। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सबसे पहले मेरे बड़े भाई श्री महेंद्र गोयल जी, मैं धन्यवाद करता हूं इनका कि इन्हीं की कृपा है जो भोले के दर्शन की कृपा हुई मुझ पे। भोले ने कृपा की और इन्होंने मुझ पे कृपा की, तो मैं भी जो है पहली बार आया हूं। और हमारे जितने भी जो है पदाधिकारी हैं फोर्सेस के सबको, और जो शिव भक्त हैं, जो भंडारा लंगर चला रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और देख के मैं आपको बता नहीं सकता कितनी खुशी हुई मुझे, आप लोग जो सेवा कर रहे हैं पब्लिक की। भोले बाबा की कृपा जो है, मैं प्रार्थना करूंगा भोले बाबा से कि सब पे कृपा बनी रहे और सबको आशीर्वाद दे भोले बाबा। और एक आप देखना जो है अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी में कहीं भी जो काम आप लोग कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, भोले बाबा की भक्ति कर रहे हैं। हमारे हरियाणा में एक पंडित लक्ष्मी चंद कवि हुए हैं, शायद आप में से जानते हो कुछ नाम, तो उन्होंने जो है चंद लाइनें लिखी है उनके लिए। जो लोग ऐसे काम करते हैं आप देखना, वो मतलब पूर्ति जो है हर चीज की पूर्ति कैसे होती है, ऐसे लोगों से ही होती है जो ऐसा काम करते हैं जैसा आप कर रहे हैं। सती पीर का मर्द निखट्टू, देखना ये जोड़ी मिलती है कि नहीं सबकी। सती पीर का मर्द निखट्टू, वीर मर्द का मिलता नहीं जोड़ा, अगर जोड़ा भी मिल जाए तो पुत्र नहीं मिलता, और पुत्र भी मिल जाए तो फिर धन का तोड़ा, और धन भी मिल जाए तो यश नहीं मिलता, वो पुत्र नालायक होगा, यश नहीं अपयश करवाएगा। अगर धन भी मिल जाए तो यश नहीं मिलता, और यश भी मिल जाए तो जीवन थोड़ा, इस भोले का भजन करे बिन फिरता रहे दौड़ा ही दौड़ा। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आभारी हूं हमारे भाई का कि आप लोगों से मिलने का मौका दिया, भोले के दर्शन कराए। और आप लोगों का सेवा भाव देख के एकदम मेरा दिल खुश है। और मैं प्रार्थना करूंगा कि भाई आप लोग जैसे नजदीक हैं भोले के, क्लोज हैं जितना, तो थोड़ा थोड़ा जो है प्रार्थना हमारी भी लगा देना जी कि भोले बाबा कृपा रखे हम पे। तो सबका धन्यवाद, धन्यवाद। और मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ जो हमारे आदरणीय बालताल के हमारे कैंप डायरेक्टर साहब, हमारे पंकज जी, सभी लंगर वालों को जो है बात शेयर करेंगे। आदरणीय पंकज जी, कैंप डायरेक्टर बालताल, तालियों के साथ स्वागत करें, बहुत मेहनत करते हैं।